पेरेंट्स और उनके जो बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि टॉपिक का नाम है करियर इन कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस अभी जैसे हम बोलते हैं कि हम रीनेम करते रहते हैं, नाम बदलते हैं, और बच्चों के लिए हर बार कोई ना कोई हमें नई चीज़ लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब एक ही चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो उनके जो भी जॉब एवेन्यूज़ होते हैं या बच्चों का अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें सैचुरेशन आ जाता है, और जब सैचुरेशन आता है तो बच्चों के लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कम हो जाती हैं और हम बच्चों के लिए परेशान होते हैं। तो एक पहले जो मैं इसमें कवर करना चाहूँगी उसमें यही है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी कि कम्युनिटी साइंस क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमको क्यों करना चाहिए कम्युनिटी साइंस, उसमें कौन कौन से हम कोर्सेज ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, और फिर उसके अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हैं, और बीकानेर में कम्युनिटी साइंस कराने के लिए कौन सा कॉलेज और विश्वविद्यालय उपस्थित है जिससे कि बच्चे वहाँ पर अपना करियर बना सकें। हम बात करते हैं कम्युनिटी साइंस जो कि अभी एट प्रेजेंट हम जानते हैं, उसको पहले होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स या कंज्यूमर साइंस इन नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके जब हमने वाइड स्पेक्ट्रम पे गए या हमने ये देखा कि इसका जो काम है वो समुदाय में, समाज में, परिवार में ज़्यादा है, तो इसका नाम कम्युनिटी साइंस रखा गया। इस फील्ड में हम केवल पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारा परिवार है, हमारा समुदाय है, हमारा समाज है, उनके आपस के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, एक अच्छा परिवार एक अच्छे संबंधों के साथ कैसे सफलतम चरम पर पहुंच सकता है, उसके बारे में ही पढ़ाई कराई जाती है। यह जो फील्ड है ये अप्लाइड साइंस का फील्ड है, क्योंकि हम पेरेंट्स जो हैं या बच्चे जो हमारे वो साइंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिस भी फील्ड में साइंस वर्ड लगा होता है वो उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी साइंस अप्लाइड साइंस है, जिसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो स्किल बेस्ड स्टडी है, यानी कौशल विकास, जो कि आजकल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि कौशल विकास पर हमें ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात कि इस COVID-19 पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि हमारे अंदर अगर प्रतिभा है, कौशल है, तो हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, हम आगे तक जा सकते हैं, हमें किसी भी तरह की डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे और साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो सामुदायिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें हम न केवल स्वास्थ्य बल्कि आहार, हमारा परिवार, बच्चे, टेक्सटाइल से संबंधित पढ़ाई, गारमेंट, रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कैसे करें, उन सब की पढ़ाई कराई जाती है। हम अगर बात करें कि होम साइंस की जर्नी कब शुरू हुई, तो होम साइंस बहुत डिटेल में नहीं दूंगी, लेकिन होम साइंस जो है वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने 1913 में शुरू किया था, मतलब उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो एजुकेशन है इतनी ज़रूरी है, इसको हमें लॉन्च करना चाहिए। आज हम यानी 2020 में हम इसके 107 वर्ष सफलतापूर्वक कर रहे हैं।
इसके अंदर ये पूरी हम बात करें कि पूरे भारत में कम्युनिटी साइंस की पढ़ाई कराई जाती है। और अगर हम जैसे बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो केरला की साइड में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर कम्युनिटी साइंस और होम साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ के जो भी बच्चे हैं या वहाँ की जो क्या बोले पॉपुलेशन है, वो उसको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करती है। जब हम इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व की बात पर आते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों बच्चों को पढ़ाएं, या हमने अगर हमने पढ़ा होता तो हम अपने परिवार को कितना अच्छे से रख पाते, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले हमारा जो भी परिवार है उस, क्योंकि हमने परिवार को एक इकाई माना है, और जब इकाई की हम बात करते हैं तो हमें उसमें हर चीज़ को स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। अगर हम किसी भी स्टेप को भूल जाते हैं तो हमारा परिवार हमसे बिछड़ जाता है या कोई ना कोई उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हमारे परिवार के सिस्टम जो हमारा प्रबंधन है वो हमें सही रखना है, उसमें सामुदायिक जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे कम हैं या ज़्यादा हैं, अगर हमारे पास कम, देखिए ज़्यादा रिसोर्सेज में कोई भी बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, उन कम रिसोर्सेज में हम अच्छी सी लाइफ अपनी, जो हम बात करते हैं दो तरह के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, अगर ये दोनों हेल्थ हमने सही रख ली, इसका मतलब हमारी एजुकेशन बेस्ट है। और इन दोनों हेल्थ को सही रखने में हम जो सामुदायिक शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, क्योंकि अभी जब पेंडेमिक कोविड की बात हुई तो बहुत सारे हमारे जो कमाने के जरिए थे वो सब बंद हो गए, ऐसे में हमारी जो लाइफ सस्टेन करनी थी वो थोड़ी मुश्किल हो गई। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन की, तो स्किल्स जिसमें होगी वो इकोनॉमिकली साउंड होगा, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी आजीविका को चला पाएगा, इसे थोड़ा कम कर दो ठंड लग रही है, उस आजीविका को चला पाएगा और अपने इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन रखेगा। और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि इंसान को डिप्रेशन में कब आता है, जब वो ये सोचता है कि मेरे पास जो प्रबंध जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रबंधन मैं ठीक से नहीं कर पा रही या कर पा रहा, या फिर मेरे पास पैसों की कमी है, तब इंसान परेशान होता है। लेकिन हम इस शिक्षा के द्वारा हम अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको भी बनाए रख सकते हैं। अपने फैमिली अफेयर्स, सबसे बड़ी बात कि परिवार का विघटन, बच्चे का हमसे दूर जाना या बच्चे का हमारी बात ना मानना, ये एक परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण भी बनता है। और परिवार में जो सामंजस्य बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। ये बनाए रखने के लिए सामुदायिक शिक्षा महत्वपूर्ण, अपने जो लाइफ है उसको हमें अगर हेल्दी रखना है उसके लिए बहुत ज़रूरी, डे टू डे लाइफ की हमारी जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि देखिए आप एक केवल एजुकेशन ले लीजिए और उस एजुकेशन को अगर हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो वो एजुकेशन हमारे लिए उतनी केवल एक कमाने का जरिया, तो चलिए हम मानते हैं कि आपने कोई डिग्री ली है, उस डिग्री से आपको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात, लेकिन जॉब के साथ साथ हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को, हम अपने समुदाय को क्या दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है वनस्पत की केवल कमा करके अपने आप को हमें संतुष्ट करना है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें कि सामुदायिक शिक्षा को हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बच्चों को हम ट्रेन करते हैं उन्हीं जो हमारे पास प्रबंध हैं, जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं संसाधनों में हम उनको प्रशिक्षित करते हैं, और
एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को अच्छा इंसान बना करके आजीविका भी कमाएं और अपने परिवार को भी सही रखें, ऐसी शिक्षा दी जाती है। बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को निखारा जाता है, उनको ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए, क्योंकि जब बच्चा कॉन्फिडेंट होता है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, अपनी बात अच्छे से रख पाता है, और जब अपनी बात अच्छे से रखता है तो हम एक सक्सेसफुल जो व्यक्तित्व की बात करते हैं वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति वही होगा जिसके पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसमें ये बात है कि उसके अंदर जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के दम पर वो अपना काम चला सकता है। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें बच्चा एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता आधारित शिक्षा की हम बात करते हैं, जब व्यक्ति जहाँ पर बच्चा क्योंकि हम बच्चे को बेसिक से लेकर के एडवांस तक की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बच्चा छोटे सपने से लेकर के अपने बड़े सपने तक को पूरा कर सकता है। अगर बच्चे के पास संसाधन कम है तो वो बेसिक यूनिट अपनी स्मॉल स्केल जो हम उद्यमिता की बात कर रहे हैं वहाँ से शुरू कर सकता है और एक बड़े लेवल तक वो यूनिट एस्टेब्लिश करके अपनी आजीविका कमा सकता है, बल्कि औरों को भी वो एंटरप्रेन्योर या हम कहें कि जॉब देने की बात कर सकते हैं। जब हम कोर्सेज की बात करते हैं कि कम्युनिटी साइंस में कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है, तो बेसिकली इसमें हम पांच फील्ड्स की बात करते हैं। जैसे आपने साधारणतः सुना होगा कि हम साइंस में जब जाते हैं या आर्ट्स में जब हम जाते हैं तो अपने पास पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश, हिंदी या बायोलॉजी, मैथ्स, हम इस तरह की बात करते हैं। तो क्योंकि जो कम्युनिटी साइंस है थोड़ा सा अभी जो भी हमारे सब पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनको उसका प्रॉपर इक्विप्ड नहीं है उन चीज़ों से, तो इसमें बेसिकली पांच फील्ड्स होते हैं जिनकी हम पढ़ाई करवाते हैं। इसके अंदर एक तो खाद्य एवं पोषण विभाग जिसको हम फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज जिसके अंदर हम बच्चों को साइकोलॉजिकल पार्ट जो उसका एस्पेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, बच्चों का बेटर एडजस्टमेंट कैसे हो उसके बारे में बात की जाती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच्चा फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाता है उन चीज़ों की स्टडी करके एक एज ए काउंसलर की हम बात करते हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड, अपने फैब्रिक से रिलेटेड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, उन सब की हम पढ़ाई करवाते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेज, एज द नेम सजेस्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे पास, क्योंकि हम दो तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक तो एग्जॉस्ट होते हैं, एक नॉन एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल की हम बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उन क्योंकि वो रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे अगर हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो घर में हमारा अच्छा प्रबंधन, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसका अच्छा प्रबंधन हो, और कंज्यूमर साइंसेस क्योंकि आज एक जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता है और उपभोक्ता से फ़ायदा सब लेना चाहते हैं लेकिन उसके उसके फ़ायदे की कोई बात नहीं करता है, तो ऐसे में एक वो जो कैंपेन हम चलाते हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या है, उसके क्या राइट्स हैं और उन उसके बेस पर उसको क्या जॉब्स मिल सकती है, इसके बारे में पढ़ाई करा जाती है। और जो लास्ट जो सब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा और संवाद प्रबंधन जो कि हम जो बात कर रहे हैं। देखिए जब हम पांचों फील्ड्स पढ़ लेते हैं हमने अपने आप को इक्विप कर लिया, जितनी हमें नॉलेज लेनी थी हमने कर लिया, लेकिन उस नॉलेज को जब तक हम जो एंड यूनिट है हमारी, जैसे हम बात करते हैं या हमारा किसान है या हमारे जो पर्सन है, सोसाइटी है, जब तक हम एंड यूनिट तक नहीं जाते हमारी पढ़ाई का कोई भी उसका सार्थकता नहीं रह जाती है। तो
ये जो पांचों फील्ड्स हैं, इन पांचों फील्ड्स में हम एप्लीकेबल जितना भी नॉलेज है, इम्प्लाइड नॉलेज है, उसी की बात करते हैं और एंड यूज तक हम उस नॉलेज को लेकर के जाते हैं। अब मैं बात करूं कि एवेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं कि जो कम्युनिटी साइंस पढ़ते हैं उसके उसकी क्या क्या हम जॉब्स की हम क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले जब कम्युनिटी साइंस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं। हायर एजुकेशन में आप बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन करवा सकते हैं, या फिर बच्चा चाहे तो डॉक्टरेट कर सकता है, या बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे बच्चे को एक साल का वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है। और किसी भी लाइक हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, होटल्स की हम बात करते हैं, रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं, या जो हमारे यूनिसेफ जो प्रोजेक्ट चलते हैं, यूनिसेफ है, WHO है, इन सब में बच्चा उन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के आधार पर अपनी आजीविका रन कर सकता है। इसी तरह से कम्युनिटी साइंस इन सिविल सर्विसेज या सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी साइंस पढ़ने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकता। बिल्कुल उसके लिए वो ऑप्शन हमेशा खुला है। वो चाहे कोई से भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स या उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को वो फाइट कर सकता है। कम्युनिटी साइंस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अभी जैसा आप देख रहे हैं हम सबको एक नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली, ऑनलाइन वर्चुअल वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग्स होती हैं, तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन और मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है और धीरे धीरे इसी फील्ड पे काम होने वाला है। तो हमारे यहाँ पर जो ये कम्युनिटी साइंस है उसमें इसी तरह की एजुकेशन दी जाती है कि बच्चा अपने इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी साइंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, उनको करके बच्चा अपना एंटरप्रेन्योर की बात करता है। जैसे हम अभी बहुत बेस्ड हो रहे हैं एग्री एंटरप्रेन्योर, कृषि आधारित हम उद्यमिता की बात करते हैं। आज अगर सक्सेसफुल कुछ है तो कृषि पर आधारित ही उद्यम जो है वो सक्सेसफुल हैं। तो कम्युनिटी साइंस भी क्या चीज़ है, कृषि का ही पार्ट है। इसका जो कॉलेज है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहीं पर है और उसी से आधारित वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। इसी तरह से कम्युनिटी साइंस इन लाइफ लॉन्ग हमारी जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। कम्युनिटी साइंस इन ह्यूमन सर्विसेज, ह्यूमन सर्विसेज जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमको न्यूट्रिशन की एजुकेशन देनी है ह्यूमन किसी भी इंसान को, तो हम हमारा घर में अपना काउंसलिंग हम सेंटर रन करके उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि जो व्यक्ति या समाज है उसके वेलफेयर में काम करता है, वहाँ पर जो कम्युनिटी साइंस है उसका बहुत बड़ा रोल रह गया है। कम्युनिटी साइंसेस क्योंकि हम सबका एक टारगेट रहता है कि हमें सरकारी जॉब तो ज़रूर मिल जाए। बिल्कुल जब कम्युनिटी साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सरकारी जो जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, उसका ऑप्शन भी हमारे पास खुला रहता है। अब मैं बात करती हूँ कि जब हम इन पांचों फील्ड्स की मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, हम जब हम सारे सेक्टर्स में बात कर रहे हैं कि हर सेक्टर्स में हमें बच्चे को नौकरी जो है मिल सकती है, हायर एजुकेशन में हम जा सकते हैं, इसी तरह से कुछ इनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ मैं कुछ मैं मतलब मेरे पास हैं ऑन टिप्स हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चा इस पढ़ाई को करने के बाद कहाँ पर अपनी जॉब कर सकता है। जैसे मैं फील्ड के हिसाब से जाऊंगी, मैंने आपको बताया था पहले कि फूड एंड न्यूट्रिशन खाद्य एवं पोषण विभाग जहां पर कि हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखिए अब हमारा पैराडाइज्म जो है वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड हमारी डाइट पर आधारित जो भी चीज़ें हैं उस पर शिफ्ट हो रहा है। हम पहले मेडिसिंस पर बेस्ड थे लेकिन मेडिसिंस के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आए, तो ऐसे में हमने अपने न्यूट्रिशन को सही रखने की कोशिश करी, क्योंकि अगर इंसान खुद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसी पढ़ाई इसमें करवाई जाती है। और इससे जब बच्चा पढ़ लेता है तो आहार विशेषज्ञ
हम डाइटिशियन की बात कर रहे हैं कि हमको कौन सी बीमारी में कैसा खाना है, या नॉर्मल, जरूरी नहीं बीमारी, हमको नॉर्मल रहना है तो भी हमें कैसा खाना है। और अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, देखिए स्पोर्ट्स अलग है, हम बात करते हैं स्पेस साइंस, जो स्पेस जिसमें कि ऊपर लाइक आकाशीय जो हम पढ़ाई की बात करते हैं, उनमें किस तरह का खाना खाना होता है वो अलग तरह का होता है, तो काउंसलिंग उसमें भी करी जाती है। इसी तरह से फूड इंस्पेक्टर्स बनते हैं, बाल एवं महिला जो कल्याण विभाग है ICDS जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर इसमें जॉब्स लगती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट लगते हैं, हम बात करें हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं, फूड एनालिस्ट की हम बात करते हैं, कि क्योंकि हर जो भी कॉम्पोजिशन होता है, जैसे आप किसी को कोई एलर्जी है तो उस एलर्जी को फाइंड आउट करने के लिए उस प्रोडक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है, तो फूड एनालिस्ट बनना जरूर, मतलब इसमें बन सकते हैं। फूड टेस्टर बनते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी कि अगर आपने कभी ताज चाय जो आती थी, ताज टी, उसका अगर कभी कोई आपने ऐड देखा हो तो उसमें बहुत सारे टी के कप्स रखे होते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है, तो जो हमारे पास जो चीज़ आती है निकल करके वो बेस्ट हमारे पास आता है, तो वो फूड टेस्टर की हम बात करते हैं। तो जो मार्केट में आजकल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ऐसे ही लॉन्च नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उनका ऑर्गेनोलैप्टिक असेसमेंट किया जाता है, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो हमारे पास अब वाइड स्पेक्ट्रम है हमारे पास, क्योंकि धीरे धीरे ये मार्केट जो है वो सब प्रोसेस फूड का मार्केट होने जा रहा है, तो वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बनती जा रही हैं। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर बच्चे बच्चों को या जिसने भी इस बारे में पढ़ाई करी है जॉब मिलती है, और उसके साथ साथ काउंसलर, क्योंकि आजकल हमारा हम भी देखते हैं कि हम बच्चे को घर में समझाते हैं, आपने 7 बार कोशिश करी, 10 बार कोशिश करी, पर फाइनली बच्चा जब नहीं समझता तो आपको ये थॉट आता है कि मुझे इस बच्चे को किसी के पास ले जाना चाहिए और इसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। तो काउंसलर आप देखें तो बीकानेर में काउंसलर नहीं है, हम बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स का अपना अलग एक सोच रहता है और बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस हिसाब से उसकी अपनी एक डिज़ायर होती है, अपनी अलग विशेष होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो ये पढ़ाई करने के बाद बच्चा काउंसलर बनता है। इसी तरह से वो डेवलपर, लाइक जो करिकुलम डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि कोविड में, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो में उसका एग्जांपल दूं तो शायद आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो ये कि हम कोविड में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऐसे में इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जा रहा है जिससे कि हम बेस्ट नॉलेज बच्चों को दे पाएँ, जो कि पेरेंट्स को भी समझ में आए और उसकी सराउंडिंग्स में जो भी रह रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए। तो इसलिए हम क्या करें कि उन बच्चों को उसमें एक्सपर्टाइजेशन दी जाती है कि वो करिकुलम डेवलपर की तरह काम करते हैं। बच्चे टीचर्स अगर बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ उनकी ट्रेनर्स, टीचर्स ट्रेनर्स जो होते हैं, और इसी तरह से जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितने भी CDPOs होते हैं या हम बात करें सुपरवाइजर्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर, जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें इन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग में अपैरल डिजाइनिंग, क्योंकि फैशन का टाइम है, बच्चे उन्हीं को प्रिफर करते हैं जो उनको पसंद आता है, जो नया है वही बच्चे खरीदना भी चाहते हैं, चाहे हम पेरेंट्स को पसंद आए ना आए। लेकिन जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो हम ऐसे में बच्चों को अपैरल डिज़ाइनर्स, फैब्रिक डिज़ाइनर्स, बुटीक मैनेजर्स, ट्रेनर्स इन अपैरल प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से उसमें सिखाया जाता है, फैब्रिक टेस्टिंग मैनेजर,
कि कौन से फैब्रिक यूज़ करें, उसमें कितना परसेंट उसके अंदर कॉटन है, कितना परसेंट उसके अंदर सिंथेटिक है, इसको कैसे मर्ज मतलब मिक्स करके हम मर्सराइज करके हम बेस्ट फैब्रिक बना सकते हैं, इस वो टेस्टर वो बन सकता है। एक कैड मैनेजर होता है, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन होती है कि किस पर्सन पे कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा, क्या अपेरल उस पर सेट आएगा, उसकी बात हम करते हैं और बच्चा कैड मैनेजर बनता है। इसी तरह से हम जब रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, कंज्यूमर साइंस की हम बात करते हैं, उसमें इंटीरियर डेकोरेटर या डिज़ाइनर की हम बात करें, स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम स्पेस में हम कितना बेस्ट यूटिलाइज स्पेस को कर सकते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहे घर प्लॉट कितना बड़ा ले लें, घर कितना बड़ा ले लें, फिर भी हम लोगों के दिमाग में एक ये थॉट आता रहता है कि अरे अभी भी छोटा है, अभी भी छोटा है। लेकिन जब हम उसकी पढ़ाई कराते हैं तो कम से कम जो जगह है उसमें बेस्ट हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी पढ़ाई कराई जाती है। हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट का ज़माना है, हम फिर से हम बात कर रहे हैं वोकल टू लोकल, स्थानीय को हमें उभारना है, स्थानीय को हमें आवाज़ देनी है, जो हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है, जो हमारे क्षेत्र का कौशल है, उसको हमें बढ़ाना है। तो उस वोकल टू लोकल को हमें ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको उसके बारे में पढ़ाई कराई जाती है, जिससे कि बच्चे को अलग से किसी भी तरह के, क्योंकि जब आपको कोई जॉब मिलने लगती है तो हमें लगता है कि नहीं हमने डिप्लोमा कोर्स नहीं करा, हमने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा, अरे ये जॉब कैसे मिलेगी, फिर हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में फंस जाते हैं उस प्रोसेस में कि कहीं से हमको बस वो सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर जब हम एजुकेशन दे रहे हैं तो ऐसे में किसी प्रकार के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फुली फ्लैश्ड बच्चे को इक्विप किया जा रहा है उन सारी एजुकेशन के साथ, तो हम बच्चों में वो सारी चीज़ें उभार करके ला रहे हैं और उससे वो अपने जो प्रतिभा है उससे वो काम में लेकर के अपना आजीविका चला सकता है। इवेंट मैनेजर, अभी सही है कि एक दो साल तक इवेंट जो है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हमेशा आशावान और आशावादी बने रहना है और उस के लिए हम फिर से मिलेंगे, गैदरिंग्स होंगी, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो हमारी जो लाइफ है वो फिर से नॉर्मल होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चा इवेंट मैनेजर भी बन सकता है। और जो हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि इसी तरह से एनजीओस, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो भी ऐसे एनजीओस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है, तो उसमें भी बच्चा अपना करियर बना सकता है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा एवं संवाद प्रबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम जर्नलिस्ट की बात कर सकते हैं, वीडियोग्राफर, प्रेस रिपोर्टर्स, अनाउंसर्स, क्योंकि टीवी अनाउंसर्स हैं, आरजेज हैं, या जो हम और दूसरे जो अनाउंसर्स की बात करते हैं, या फिर हम इवेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं, या एंकरिंग की हम बात करते हैं, जब इवेंट्स होते हैं उसमें कौन कंपेयरिंग कौन करेगा उसकी हम बात करते हैं, उसके लिए हम सबको एक अलग से, अगर आप सबको ध्यान हो तो समर्स में कैंप लगते हैं और हम बच्चों को फिर वहाँ भेजते हैं। तो जब एक ही अम्ब्रेला के नीचे जब हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो बच्चों को किसी भी समर कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एबिलिटीज़ को और अपनी उसकी जो एफिशिएंसी क्वालिटीज़ उसको वो इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह से वो एक्सटेंशन ऑफिसर्स की बात करें, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उनको एंड कंज्यूमर तक या उनको जो हम बात करें कि गांवों तक ले जाना है एज ए एक्सटेंशन वर्कर, तो उस समय भी वो पूरी अपना उसमें उनका सपोर्ट रहता है, वो कॉपरेट कर मतलब उनमें उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये तो था कि हमने जितनी भी हमारी फील्ड्स की हमने पढ़ाई कराई, उन फील्ड्स में बच्चा हायर एजुकेशन लेकर के वो क्या कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉलेज है उसका क्या ओरिएंटेशन है और कॉलेज कौन कौन सी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। कॉलेज ऑफ होम साइंस, जो कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से संबंध रखता है, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि
कि होम साइंस वर्ड जो है उसको आप जेंडर बायस ना करें, क्योंकि हमको अब कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कोई मतलब चाहे महिला या पुरुष या बच्चा या बच्ची, छात्र छात्राएं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हमारे जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही थी, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स का, मैं उनका मतलब यहाँ पे एक उनका वर्जन कोट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि आज हमें ज़रूरत है कि गृह विज्ञान की शिक्षा यानी सामुदायिक शिक्षा हमें दोनों वर्गों को देने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज और परिवार उन्नति करे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा सा विचार आया था कि हमें सबको, मैं लाइक सबको बताऊं कि होम साइंस जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सामुदायिक शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है। जो कॉलेज है वो 1988 में शुरू हुआ था और आज अभी तक वो अपने उसी पेस पर है, उसी में वो रन कर रहा है। ये जो कॉलेज है वो कम्युनिटी साइंस की शिक्षा देता है, सामुदायिक विज्ञान की शिक्षा देता है, जिसमें हम व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता की शिक्षा की बात करते हैं। इसकी जब हम योग्यता की बात करते हैं कि कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो 10+2 के बच्चे हैं वो इसमें उसमें प्रवेश ले सकते हैं। हमारा जो बेस है, बेसिकली जो हमारा आधार है, वो हमने साइंस रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड को देखते हुए और इस पेंडेमिक जो अभी सिचुएशन आई है उसको देखते हुए हमने इसको ओपन कर दिया है, ओपन फॉर ऑल एक बार रखा है, जिसमें कॉमर्स के बच्चे भी आ सकते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है, बहुत से पेरेंट्स आए भी हैं, आर्ट्स के बच्चे भी हैं, साइंस के बच्चे भी हैं। तो अभी हमने इस क्योंकि ये हमारे मतलब एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगा बीकानेर के बच्चों को मिलनी चाहिए, जिससे कि सभी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकें। हम जहाँ तक डिग्री की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, जैसे फील्ड की मैं बात करूँ, फूड्स एंड न्यूट्रिशन पोषण एवं खाद्य विभाग है, जिसके अंदर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट, इसी तरह से पीजी डिप्लोमा, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक साल का हम डिप्लोमा भी वहाँ उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, जिसके अंदर मानव विकास एवं पारिवारिक जो शिक्षा है उसके अंदर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन, हम स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रदान मतलब उपाधि देते हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर हम स्नातक की उपाधि प्रदान कर रहे हैं, यानी बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन कर सकता है वहाँ पर। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, जिसमें कि हम संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर सकता है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेज, जिसमें बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री वो लाइक अवेल कर सकता है। बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जो कम्युनिटी साइंस एजुकेशन है ये साइंटिफिक कोर्स है, इसको हम बहुत मतलब अभी तक हमने बहुत लाइटली लिया है, और हमने केवल इसको एक हमारा मिसकंसेप्शन ये था कि हमने केवल घर के दायरे में बांध के रख दिया कि होम साइंस गृह विज्ञान यानी केवल घर से संबंधित चीज़ों की पढ़ाई है। तो इस जो एक मिसकंसेप्शन है उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, बहुत साइंटिफिक स्टडी है और डायनामिक, हम उसकी बात कर रहे हैं कि डायनामिक एजुकेशन ऑल ग्रोइंग फील्ड्स में होना होता है। अभी तक केवल यही कहा गया कि शायद स्टिचिंग है, सफाई है, सारी चीज़ें, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूँगी, हम बहुत क्लेवर हैं, क्लेवर इन दैट सेंस कि जब हम किसी भी एक्टिविटी को पैसे से जोड़ते हैं तो वो हम मेल डोमिनेंसी पर चले जाते हैं,
और जब हम पैसे से नहीं जोड़ते हैं तो हम उसको फीमेल पे चले जाते हैं कि देखिए आप होटल्स में मैक्सिमम जो शेफ होते हैं वो कौन हैं, मेल मेंबर्स हैं। अगर हम मैक्सिमम जो स्टिचिंग की बात करते हैं, अपैरल डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो कौन है, मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो कम्युनिटी साइंस एजुकेशन है वो दोनों के लिए, इसमें कहीं जेंडर की हमें लाने की ज़रूरत नहीं है कि केवल लड़के मतलब लड़कियां ही पढ़ेंगी, लड़के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है वो टाइम चेंज बदल चुका है। इस बदलते परिवेश में हमें अपने बच्चों को ढालना है, तो हमें दोनों को यानी लड़का और लड़की उन दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षा में ढालना पड़ेगा, जिससे कि वो एक अच्छे व्यक्ति बने और अपने परिवार को अच्छे से संभालें। हम इसमें ये कहेंगे कि जो कम्युनिटी साइंस है, जैसा मैंने आपको बताया, एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल डिग्री भी देता है, तो बच्चा जब भी चाहे मतलब वो मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी चाहे तो अपना स्मॉल स्केल पे अपनी आजीविका रन कर सकता है। ये था लाइक ऑल अबाउट द कम्युनिटी साइंस एजुकेशन। और अब मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि आप सबका एक अभी आएगा क्वेश्चन कि मैडम इसकी फीस कितनी है, क्योंकि एक वो एक हमारा कंसर्न जरूर रहता है फीस स्ट्रक्चर पर। तो इसकी जो इसका जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज होती है, तो इसमें एक साल में दो सेमेस्टर, जैसे आप सब इससे क्या बोलते हैं आपकी नॉलेज में है कि 6-6 महीने के दो सेमेस्टर्स एक साल में, और एक साल जो उसकी फ़ीस है, एक सेमेस्टर की फ़ीस है वो हमारी यूजुअली 9,000 तक की रहती है। लेकिन अभी इस जो पैंडेमिक कोविड जो भी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी काम हो रहे हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, तो वर्चुअल है, प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कर्टेल कर दी हैं। फीस को जो स्लैब है वो कम कर दिया है, वो हमारा फीस 7,000 to 8,000 के बीच में उसको फिक्स किया हुआ है। तो ये था उससे संबंधित, फीस से संबंधित। और बच्चों को हमने साथ में वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, फ्री वाईफाई कैंपस 24 आवर्स अवेलेबल वहाँ पर, बच्चों को कैंटीन की पूरी सुविधा है। अगर जो हमारे हम बात करते हैं इंटरैक्टिव अप्रोच जो यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि हम बच्चे का एक्सपोजर देते हैं, ऐसे एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को हम जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, जैसे CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, NRCC का नाम आप सब ने सुना होगा, विटनरी यूनिवर्सिटी आपने सुनी होंगी, तो इस तरह की जो इंटरैक्टिव जो यूनिट्स हैं, जो ऐसी यूनिट्स हैं वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन चलता है और बच्चे को एक्सपोजर जो है वो उसको दिया जाता है। एक्सपोजर देने से बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल हाई होता है। बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक्सकर्शन किए जाते हैं, यानी बच्चों को सिटी से बाहर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ले जाया जाता है, उन बच्चों को उसका भी एक्सपोजर दिया जाता है। तो हम अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी भी है, अगर कोई चाहता है कि बच्चा जो है मेरा बाहर है और नहीं मतलब उसको आने जाने में थोड़ी दिक्कत है, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो हॉस्टल हैं वो सेपरेट हैं और उनको वो फैसिलिटी प्रॉपर उनका लाइक वहाँ पे दिया जा रहा है। इसी तरह से जो भी बच्चे जो थोड़े से हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में बच्चे एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी तरह की एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर जो फैकल्टी है वो अलग से टाइम देती है और वो उनको उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं या बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं पूछ पाते हैं, इंडिविजुअल पूछते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटी भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे ग्रेजुएशन के बाद चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और जो PhD है डॉक्टरेट की जो डिग्री है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम बच्चों को वहाँ पर तैयार करते हैं। तो ICR हम दो तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, एक तो स्टेट कंडक्ट करता है, एक नेशनल लेवल पे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता है, तो उसके लिए भी हम बच्चों को वहाँ पर तैयार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है
कि जब हम एक ही छत के नीचे उस बच्चे को सारी फैसिलिटी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मेरा निवेदन आप सभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स हैं, उनसे ये कि हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम बच्चे को 10 to 5 हमारे यहाँ बच्चे को रुकना होता है, क्योंकि आजकल जो गवर्नर हैं और जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और तो बच्चों को वहाँ रेगुलर आना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार, जैसे और दूसरे कॉलेजेस में होता है कि एक बार एडमिशन करा दिया उसके बाद बच्चा केवल फिर एग्ज़ाम में दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, बच्चे को आना होता है, अटेंडेंस होती हैं, और बच्चे में जो मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं उस मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत सारे लेक्चर्स हम एवरी वीक ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एमिनेंट जो पर्सन्स हैं बाहर से भी आते हैं, आउट स्टेशन से भी आते हैं और बीकानेर से भी आते हैं, जिससे कि बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।